This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Assalamu alaikum nazreen, main hu Shujaat Mubarak, program Voice of Youth ke saath. नाज़रीन, आज है 14 अगस्त का दिन और सबसे पहले मैं आपको 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वतन अज़ीज़ में हम सब आज 14 अगस्त की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी सिलसिले में हम आज का प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, इकबाल ने खूब कहा कि उठा सा किया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। और यही शायद वो जज्बा था जिसको 14 अगस्त 1947 में हमारे नौजवानों ने, उस वक्त के नौजवानों ने इस जज्बे से सरशार होकर वतन अजीज को आज़ादी जैसी नेमत से माला माल किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज का नौजवान इस जज्बे से सरशार है और आज का नौजवान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है? तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं अपने नौजवानों से और आइए मिलते हैं कुछ नौजवानों से और उनसे बातचीत करते हैं। जी बताइए कि पाकिस्तान जो 1947 में जो यूथ थी, उन्होंने भी पाकिस्तान को एक जज्बे के तहत हासिल किया, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी यूथ में ये जज्बा किस हद तक बरकरार है? हमारी यूथ का जज्बा ये आज भी उसी हद तक बरकरार है। जब हम बाय रोडों पे निकलते हैं तो अभी भी यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े जोश से 14 अगस्त मनाते हैं, क्योंकि अब तक है जज्बा कायम और ये जज्बा काफ़ी हद तक कायम है। आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचते हैं एक नौजवान होने की हैसियत से? बस हमें और भी बेहतरी लानी है। मैं और मुझ जैसे और भी बहुत सारे भाई हैं जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और भी तरक्की करे और हम कोशिश कर रहे हैं। आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के हवाले से नौजवानों का पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सर, होना तो ये चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं, यूथ जो हैं, उनको अपनी एजुकेशन की तरफ जो है बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। और जो इतनी टेक्नोलॉजी जो आ रही है, हम बिला वजह फेसबुक और दीगर चीज़ों पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की तरफ जो है फोकस रखें, अपने IT सेक्टर की तरफ रखें, इंजीनियरिंग सेक्टर हमारा है उसकी तरफ रखें फोकस। आप पैगाम क्या देना चाहेंगे नौजवानों को? बस पैगाम यही है कि फेसबुक और दीगर चक्रों से बाहर निकलें, एजुकेशन पे फोकस करें। जनाब, आप बताइए कि 14 अगस्त के दिन की मुनासबत से हमारी यूथ की या नौजवानों की क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं? 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले मैं अपनी पूरी कौम को और आप सबको जो है ना जश्न आज़ादी और 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत एक करम है कि उन्होंने एक हमें एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद हैसियत से रहने की एक तौफीक अता फरमाई है। और यूथ के हवाले से हमारे यही है कि आज कल जो है ना जिस तरीके की एक सियासत चल रही है कि हर भी यूथ को अपनी तरफ घेरने के लिहाज से कोशिश करते कि वो मेरी पार्टी में आ जाए या वो किसी भी पार्टी में चले जाए, तो बजाय उनको कि अपनी पार्टी में लाने के बजाय उनको मुल्क की तरफ तरक्की के लिए कोई ना कुछ ऐसे जो है ना उनको प्रोग्राम देने चाहिए ताकि मुल्क की तरक्की उससे हो सके। हर यूथ को चाहिए कि वो जो भी टैलेंट या कोई टेक्निकल काम सीखते हैं या एजुकेशन के हवाले से कुछ भी सीखना चाहते हैं तो उसको अपने हद तक ना। तो इसमें जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है या यूथ की बनती है? देखिए, मेरा कहना तो ये है कि अगर आपने यूथ या मुल्क को बदलना है तो सबसे पहले हमने खुद को बदलना होगा। हर चीज़ पैसा नहीं दिया, आजकल जो भी कोई सीखता है वो कहता है कि यार मैं पैसा कमा लूँ या मैं एजुकेशन सीख कर या टेक्निकल काम सीख कर उससे मैं पैसा कमाऊँ, तो पैसा हर चीज़ नहीं होती। आपको चाहिए कि आप जो भी सीख रहे हैं आप उसको आगे फॉरवर्ड करें, हमारे आने वाली नस्ल हमसे सीखेगी। खवातीन हज़रात, एक नहायत ही खुशकुन और खुश आयन बात यह है कि हमने अभी तक जितने भी नौजवानों से बात की नहायत ही मुस्बत बात थी। और जैसे इस नौजवान ने कहा कि जिम्मेदारी हुक्मरानों की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी अपनी है, जिम्मेदारी हमारी यूथ की भी है, तो हमें बजाय इसके कि हम नारे मारें और पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाने के बजाय हमें खुद से अपने आप को बदलना होगा। तो आइए इसी तनाज़ुर में बात करते हैं किसी और नौजवान से। आप बताइए कि 14 अगस्त के हवाले से हमारा नौजवान जो कि एक हमारी आबादी का 2/3 से ज़्यादा पर मुश्तमिल है, तो वो नौजवान पहले तो ये बताइए कि उन नौजवानों की पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में क्या राय है, वो क्या सोचते हैं, उसे क्या समझते हैं, और फिर उन नौजवानों की क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाया जा सके। असल में इसके अंदर ये है कि जो जैसा आपने जिक्र किया कि 2/3 हमारी आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, इसको हम दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ हैं।
जो पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ हैं वो हमारे मुल्क के अंदर मस्बत चीज़ें उनको जो है वो नोट कर रहे होते हैं, और वो ये उनका मतलब जो है वो इस तरीके से फीडबैक होता है मुल्क के हवाले से कि हमारा मुल्क किसी भी तरीके से जो है वो तरक्की करे, उसके अंदर अच्छी से अच्छी जो चीज़ें हैं उनको उजागर किया जाए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं हमारी वो दुनिया के सामने लाई जाए। जो तो कितनी तादाद है ऐसे लोगों की, क्या आप समझते हैं? लाइक मेरा ताल्लुक चूँकि एजुकेशन के शोबे से है, और एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनकी तो काफ़ी पॉजिटिव सोच होती है मुल्क के हवाले से, लेकिन वो नौजवान जो कि हायर एजुकेशन की तरफ नहीं आते या तालीम से दूर हैं, उनके जहन में जो है वो काफ़ी मनफी बातें होती हैं मुल्क के हवाले से। तो ये चाहिए, तो आप ये समझते हैं कि हमारी तालीम जो है ये नौजवान को के जहन में एक मुस्बत किरदार अदा कर रही है, उसको पाकिस्तान के बारे में एक मुस्बत नज़रियात और ख्यालात जो है वो इनकलकेट करने का बायस बन रही है, क्या आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल, मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे मुल्क की जो तालीम है और जो तालीमी इदारे हैं वो अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, नौजवानों की सोच को मुस्बत डायरेक्शन में ले जाने के लिए, और अगर इसी तरीके से हमारे मुल्क के अंदर तालीमी इदारे अपना किरदार अदा करते रहे तो जो बाकी मानदा नौजवान हैं जिनकी सोच मनफी है वो भी इंशाल्लाह जो है वो मस्बत सोच की तरफ अपने आप को तब्दील कर लेंगे। ठीक है, तो नाज़रीन एक और हमने नौजवान से उनकी राय पूछी और वो ये कह रहे हैं कि हमारे तालीमी इदारे अगर बेहतर तरीके से किरदार अदा करें तो वो लोग जो कि पाकिस्तान के बारे में मनफी सोच रखते हैं उनको भी मुस्बत धारे में लाया जा सकता है, और वो जो कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की तबाही के लिए सोचते हैं उनको पाकिस्तान की तरक्की के लिए उनकी सोचने पर मजबूर किया जा सकता है, और बजाय इसके कि पाकिस्तान की तनाजुली का बायस बने वो पाकिस्तान की तरक्की का बायस बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी सिलसिले में एक और नौजवान से। 14 अगस्त के दिन की मुनासबत से कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं और बिलखसूस जो लड़कियाँ हैं उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है पाकिस्तान की तरक्की के लिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बोलूँगी कि जिस तरह कायदा अज़म ने हमारा मोटो दिया यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, हम उसको लेते हुए आगे चलें, और जितने भी यंगस्टर्स हैं इवन गर्ल्स या बॉयज़ ओवरऑल मैं सबको लूँगी, उनको चाहिए वो सबसे पहले खुद मुल्क की तरक्की के लिए देखें कि मतलब क्या चीज़ हमें और मतलब आगे बढ़ना है, मज़ीद करना है हमें, और उसके बेटरमेंट के लिए क्या करना है। आप ये ना सोचा कि आप गर्ल हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ घर पे रहना है, आप भी कुछ ना कुछ कर सकते, आप एक स्टेप उठाओ कि आपको किस तरह आगे फॉरवर्ड करना है आप अपने आप को लेकर, ताकि बाकी की जो गर्ल्स हैं वो मोटिवेट हों आपसे और वो आगे अपने मुल्क के लिए अपनी कंट्री के लिए बड़े से बड़ा स्टेप उठाएँ। आपको कोई भी तो इसमें आप जो है वो माशाल्लाह से एक हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घर पे बैठी हुई हैं और वो उनकी कोई तालीम का कोई निज़ाम नहीं है ना वो पढ़ना चाहती हैं, तो आज के दिन की मुनासबत से आज़ादी के दिन के हवाले से आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहूँगी, इवन उनके पेरेंट्स से मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ इस तरह मतलब नहीं करें, आप उनको आगे बढ़ने की वो करें कि वो लड़कियाँ भी आगे बढ़ें ताकि दूसरी लड़कियाँ उनको देख कर मोटिवेट हों वो कुछ आगे करने, क्योंकि उनकी भी हर किसी की विश होती है कि वो कुछ आगे करें आगे बढ़ें, वो इस तरह वो रहेंगी तो डेफिनेटली वो कुछ कर नहीं पाएंगी। सही है, हर चीज़ वो आगे करें और देखें कि क्या है क्या नहीं है आगे। तो चलें आपकी मैं दोस्त से बात करता हूँ। ख़वातीनों हज़रात, जो हमारी लड़कियां जो वतन अज़ीज़ की, ये भी माशाल्लाह से इनका जज्बा किसी आम नौजवान से कम नहीं है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताएं कि क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं? गर्ल्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होगी क्योंकि वो पूरे ख़ानदान को आगे लेके चल रही थी, अगर वही एजुकेटेड नहीं होगी तो फिर हमारी नस्ल आगे कैसे एजुकेटेड होगी। बेसिकली हमें जो ग्रास लेवल है वही हमें एजुकेटेड करनी है, हमारी जो खवातीन है घर में बैठी हुई लड़कियाँ हैं पहले उन्हें एजुकेट करेंगे तो उनसे होने वाले जो हमारी नस्लें हैं वो एजुकेटेड होंगी। बेसिकली कहते ना कि एक माँ जो है वो पूरे घर को लेके चलती है, जो माँ एजुकेटेड होगी तो फिर उसके बच्चे भी तमाम एजुकेटेड होंगे और वो फिर हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद होंगे, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा आगे हैं हमारे लिए काम आते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे एक बेहतरीन माँ दें मैं आपको एक बेहतरीन माशरा दूंगा, तो आपने बहुत अच्छी बात की। तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान में तो ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हमें आज़ादी के तकरीबन 69 साल हो चुके हैं बल्कि पूरे हो चुके हैं, आप ये बताइए कि आज की जो ख़वातीन हैं और 1947 की ख़वातीन
ان سے آج کی خواتین کیا سبق سیکھتی ہیں؟ بیسکلی ان سے ہمیں سب سے پہلے جو فاطمہ جنا تھی ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا اور ہمیں یہ ملک دلایا, تو کیا آج ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کر نہیں سکتے؟ اگر آج کی خواتین اپنے جو مرد حضرات ہیں ان کی شانہ بشانہ چل سکتی ہیں تو ہمارا ملک بہت آگے ترقی کر سکتا ہے. جو مطلب 90% میں کہتی ہوں خواتین پاکستان کی وہ بالکل بھی مطلب ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, 10% جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ آگے آئیں, اپنے ملک و قوم کی خدمت کریں گی تو ہمیں ملک و قوم آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. صرف ایجوکیٹڈ جو ایجوکیشن تھی ہماری اس کے بہاف پر فاطمہ جنا نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, اگر وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی تو فاطمہ جنا ساتھ نہیں دے پاتی. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جنا نے قائد اعظم صاحب کا شانہ بشانہ ساتھ دیا اور وہ پاکستان بننے کی جد و جہد میں بالکل بھرپور شامل تھی. تو اسی میں ایک بات آپ کی دوست سے کرتا ہوں, پھر ہم آگے چلیں گے. جی بتائیے. آپ میں اپنی فرینڈ کی بات کو ہی سیکنڈ کرتے ہوئے چلوں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں کی خواتین جو ہیں, پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے, میری ان کے پیرنٹس سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ان اپنے بچوں کو آگے بڑھنے دیں, کیونکہ یہاں پر لڑکیوں کو اتنا نہیں دیا جاتا ہے, اپارچونیٹیز نہیں ملتی ہیں, اور اسپیشلی پیرنٹس جو ہیں وہ یہاں کے ڈر سے اور خوف سے جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی اپنی بچیوں کو. تو ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اچھا ملک ہے اور ہم اس کو ہی لے کے چلیں گے تو یہ آگے جا کر جو ہے بہتر کی طرف جائے گا. اور بس ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی میں کہ وہ اپنی بچیوں کو الاؤ کریں کہ وہ آگے پڑھیں, آگے جاب کریں. اب تو ہر لڑکی جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہتی ہے. بہت اچھی بات کی. ناظرین یہاں پہ جب ہم نے اپنے نوجوانوں سے بات کی تو ایک چیز جس کا ہمیں بہت ہی خوش دلی اور بڑی خوشی سے اس کا احساس ہوا کہ پہلی بات یہ کہ جتنے بھی نوجوان تھے ان میں سے کوئی بھی نا امید اور مایوس نہیں ہے. سارے نوجوان پاکستان کے عظیم الشان اور شاندار مستقبل کے بارے میں بہت اچھی امید رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں نے یہ کہا, بالخصوص خواتین نے یہ کہا کہ ہماری جو خواتین گھر پہ بیٹھی ہیں جو کہ تعلیم حاصل نہیں کر رہیں, ان کو تعلیم کے میدان میں آگے آنا چاہیے, وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں. اس میں ہماری جو طالب علم تھیں انہوں نے مثال دی محترمہ فاطمہ جناح کی کہ انہوں نے بھی ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا اور اس وطن کے اصول میں بھرپور اپنا کردار ادا کیا. تو اسی پیغام کے ساتھ کہ ہماری جو خواتین گھر پہ بیٹھی ہیں وہ بھی اس ملک کی ترقی میں ساتھ دیں, اور ہمارے نوجوان جو کہ دو تہائی اس ملک کی اکثریت پر جو مشتمل ہے, جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے, وہ بھی اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. میرا اسی پیغام کے ساتھ یہاں پہ ایک بریک لوں گا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ کچھ مہمان ہوں گے, ان کا میں تعارف کرواؤں گا بریک کے بعد. سو خواتین حضرات دیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک خواتین و حضرات, ہمیں وائس آف یوتھ میں جوائن کیا ہے محترمہ عالیہ سارم صاحبہ نے. میں آپ کا ذرا تفصیل سے انٹروڈکشن کرواتا چلوں کہ آپ سارم برنی ٹرسٹ کی وائس چیئر پرسن ہیں اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ماشاءاللہ, اور شیلٹر ہوم نامی ایک اسکیم چلا رہی ہیں جو کہ بڑی کامیابی سے بہت سارے بے سہارا لوگوں کو مدد فراہم کر رہی ہیں. تو آپ کے ساتھ ہماری دو یوتھ کے ریپرزینٹیٹیو شامل ہیں جس میں شائستہ سلیم ہیں, نیشنل ڈیبیٹر ہیں, ماشاءاللہ بہت ساری ڈیبیٹس جیت چکی ہیں, بہت ساری جو ہیں انہوں نے لوز بھی کی ہیں لیکن ان کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہتا ہے. اس کے ساتھ رحیل اختر ہیں, یہ پہلے نیشنل ڈیبیٹر تھے, بہت ساری ڈیبیٹس انہوں نے بھی جیتی اور اب ماشاءاللہ سے ڈیبیٹ ٹرینر ہیں. تو میں گفتگو کا آغاز آپ سے کرتا ہوں کیونکہ آپ نے بہت زیادہ یوتھ کے ساتھ بھی انٹریکٹ کیا اور آپ یوتھ کے فلاحی حوالوں سے کام بھی کر رہی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ ہماری یوتھ کیا اپنی ذمہ داریوں سے اویئر ہے, کس طرح سے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے, کیا ان کو پتہ ہے یا وہ ابھی تک اس خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں جو کہ جس کی کوشش 14 اگست 1947 میں ہمارے آبا و اجداد نے کی تھی کہ ہمیں وہ جگائیں کسی طریقے سے. ہماری یوتھ تو بہت پیاری ہے اور مجھے اس سے بہت امیدیں ہیں, لیکن مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے جو بیچ میں 70s کے بعد کا خاص طور پہ 70s کے بعد ایک ڈاؤن فال ہمارے یہاں ایک اسٹارٹ ہوا جو آج تک ہم دوبارہ ہماری کمر سیدھی نہیں ہوئی. تو ہم نے اپنی یوتھ کو وہ بہت ساری چیزیں نہیں بتائیں جو ان کے علم میں ہونی چاہیے تھیں, لیکن یوتھ ہماری بہت سمارٹ اس لیے ہے کہ جو اس وقت اب جدید چیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں نیٹ کی صورت میں یہ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں,
और इनके पास वो बहुत सारी अवेयरनेस जो हमने नहीं भी दी वो दुनिया ने इन्हें दे दी है। हम अपने जो यूथ के नुमाइंदे इनसे पूछते हैं कि क्या हमें तालीम के साथ तरबियत भी दी जा रही है। जी शाइस्ता, आप बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है, और मैं समझती हूँ कि जो हमारी यूथ है उस समय हमें बहुत जोश जज्बा जद्दोजहद हम कर सकते हैं। बस सारा मसला कभी कभी ये आ जाता है कि हम जो है वो कभी कभार जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई भी नाखुशगवार वाक्य मुल्क में आता है, तो अक्सर जो हम जो यूथ है वो थोड़ा वो इल्ज़ाम दे देती है, मायूस हो जाती है, मायूस हो जाती है। इल्ज़ाम कभी वो हुकूमत को दे रहा होता है, कभी बैरूनी ताकतों को दे रहा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने गिरबान में झाँकना चाहिए, क्योंकि हर फर्द जो है वो इस मिल्लत का जो है, धरती का जो है वो जिम्मेदार है। रहील, मैं आपसे पूछता हूँ कि शाइस्ता ये कह रही है हमें तालीम के साथ तरबियत भी दी जा रही है, लेकिन कुछ किसी हद तक जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहती है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये हमारे नौजवान को गाइड करने में फ़ेल हो चुका है। तो आप क्योंकि तालीम के शोबे से वाबस्ता भी हैं, आप लोगों को ट्रेन भी करते हैं, तो आप ये बताइए कि जो हमारा तालीमी निज़ाम है क्या ये वाकई सिर्फ तालीम ही देता है, ये सिर्फ नॉलेज ही देता है, या तरबियत भी है इसमें? सर, आपने खुद ही सपोर्ट किया अपनी बात को कि फैक्ट्स जो हैं वो कुछ डिफरेंट स्टोरी बता रहे हैं। तो वो फैक्ट्स किसी हद तक सही हैं कि हम किताबी तालीम तो बहुत अच्छी दे देते हैं अपने तालिब इल्मों को, और उनको एक ऐसी दुनिया दिखा देते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की जो एग्जिस्ट नहीं करती कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर। तो जब वो उस दुनिया में जाते हैं तो वो बिल्कुल ही एक अनोखी दुनिया पाते हैं, तो जाहिर है उसके लिए वो तैयार नहीं होते। तो किताबी तालीम तो ज़रूर मिल रही है जामियात में, एक ख्वाब की दुनिया है, एक ख्वाब की दुनिया, एक आइडियलिस्टिक अप्रोच बना दी जाती है, लेकिन जब वो एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो जाहिर है उसके लिए उस तरह से तैयार नहीं होते। तो प्रैक्टिकलिटी की जहाँ तक बात है प्रोफेशनल दुनिया के लिए तैयार होने की, तो वो तरबियत का फुकदान है किसी हद तक। तो आप इस बात ये कह रहे हैं कि तरबियत का किसी हद तक फुकदान है, इसका हमें इदराक तो हो गया, लेकिन इसके लिए हमें कुछ अमली इकदाम भी करने होंगे। तो मैं आपसे पूछता हूँ मैडम कि आप ये बताइए कि क्या अमली इकदाम हो सकते हैं जो कि जिससे हमारी तालीम के साथ तरबियत भी हम अपने नौजवानों को दे सकें, और जिस रूह और जिस बेसिक मकसद के तहत ये वतन बना था वो हम उस मकसद को अचीव कर सकें। हम बात कर रहे थे, हम यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए कि वहाँ तरबियत का फुकदान है। तरबियत शुरू होती है माँ की गोद से, तरबियत शुरू होती है बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले, बस जब उसका वजूद जन्म लेना शुरू करता है तब से तरबियत शुरू होती है। आप ज्यूइश देखिए, ज्यूइश लोग वो हैं जिनके बच्चे और जिनकी एज अ नेशन वो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं। तो वो इंटेलिजेंट जब सिर्फ अभी जान पड़ती है उस इंसान की, तो वो उस वक्त से उसको मैथ्स और इस तरह के माँ को वो सारी चीज़ें करवा रहे होते हैं जब बच्चा दुनिया में नहीं आया होता। और जब वो पैदा होता है तो पैदा होने से 9 महीने पहले उसने वो सारी तरबियत ली हुई होती है, वो पहले से तरबियत लेके इस दुनिया में आता है। और हमारे यहाँ कौन से इश्यूज़ हैं? हमारे यहाँ इश्यूज़ ये हैं कि माँ को बहुत टफ टाइम दिया जा रहा होता है, हम आज तक कोई घरेलू झगड़ों में उन सारी एक्टिविटीज़ में फंसे हुए हैं जिसको कहना चाहिए, जिनका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा होता। तो हमें यूनिवर्सिटी लेवल तक जाने से पहले इस तरफ भी आना पड़ेगा कि क्या वो माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है उसको परवरिश पाती है, क्या हमने उस माँ को रिलैक्स रखा हुआ है, क्या हमने उस माँ को स्पेस दी हुई है, क्या उसके पास हमने ये इजाज़त दी है कि वो तरीके से एक खुले अंदाज में वो अपने बच्चे को परवान चढ़ा सके। जब हमने उसको जंजीरों में जकड़ दिया, जब हमने उसको खामा खां के झगड़ों में, बातों में, मसले मसाइल में उलझा दिया, तो यकीनन वो बच्चे को वो वाला टाइम, वो वाला ज़हनी सुकून नहीं दे पाती। तो तरबियत में फुकदान वहाँ से शुरू होना हो जाता है। एक चीखती हुई माँ अपने बच्चे को कभी भी नहीं कह सकती कि तुम न चीख तो। एक चीखता हुआ बाप जिसके पास घर आने के बाद बिजली, पानी, गैस नहीं होगा, बच्चे के देने की फीस नहीं होगी, वो जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन दिखाएगा वो बच्चे में आ जाएगी। तो इसमें कितने परसेंट आप के ख्याल में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि इसी हालात से गुजरते हैं? मेरे ख्याल में तो 99% ऐसे ही। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में गुर्बत का जो हाल है, और जो मैं बिल्कुल मेन चीजें बता रही हूँ, हमारी जिंदगी की खुशी के लाइट चली गई, हम दुखी होकर बैठ गए, सारी एक्टिविटीज खत्म हो गई, लाइट आ गई, ऐसे लगा ईद आ गई, और वो ईद कुछ ही देर को होगी वो फिर दोबारा चली जाएगी। तो ऐसा, तो इस तरह के निज़ाम में आप बात करें तरबियत की, जहाँ आपके पास पेट भर रोटी ना हो, पेट भर क्या, आधा पेट रोटी ना हो, आपके पास पानी ना आ रहा हो, सर्दियों में गैस ना आ रही हो, फिर वहाँ तरबियत में मसाइल होते हैं। लेकिन मैं उसमें हमेशा ये कहूँगी कि माँ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो एक स्पंज की तरह तकलीफ को एब्जॉर्ब कर ले, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो अपनी अगली नस्ल है उस तक वही पैगाम पहुँचाए जो उसके लिए अच्छा है। ये मुश्किल भी है, कई जगहों पर नामुमकिन भी है, लेकिन क्या करें, इन्हीं वसाइल और इन्हीं मसाइल के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है। देखें, आज हमारा आज़ादी का एक और साल गुजर गया, तो चले आज से ही हम अहद कर लें कि हम अपनी माओं को सताना छोड़ दें। आप यही कहना चाह रहे हैं? तो चले, ये माँ हमारी जो, जैसे ये दोनों यूथ बैठे हैं, इनसे पूछते हैं कि आप अपनी माओं को किस हद तक सताते हैं,
اور یہ جو بات کر رہی ہیں عالیہ سارم صاحبہ، اس کا آپ کی تربیت پر یا ہماری جو یوتھ ہے اس کی تربیت تک کس حد تک اس پہ اثر پڑتا ہے، یا آپ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو شائستہ آپ بتائیے کہ جیسے ایک تو جیسے انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی کی ایک تو تربیت الگ ہے، اس سے پہلے ایک اسکول ہو گیا، اور اسکول سے بھی پہلے ایک ماں کی گود ہے، تو کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری یوتھ اس ماں کی گود سے نکل کے جو اسکول ہے اس میں تربیت کو حاصل کر پاتی ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ پاتی ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے بات کروں گی تو میں بچوں سے لے کر چلوں گی کہ واقعی میں اپنی مدرس کو ہم تنگ کرتے ہیں، جب 14 اگست آ رہی ہوتی ہے ہماری سب بچوں کی ضد ہوتی ہے کہ ہم بائک پہ جھنڈا بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر چل رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی بھی عمارات ہیں ان پہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں، تو یہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ بے شک فرسٹریشن ہے، لائٹ کا مسئلہ، بجلی، جو بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے اندر جو جذبہ ہے وہ ابھی بھی ہے برقرار، اور یہ ایک امید ہے کہ ہمارے اندر جذبہ ہے، چاہے کرکٹ کا میدان ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، جو بھی میدان ہو، جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے ہم ایک ہو جاتے ہیں، اس وقت ہم سب بھول جاتے ہیں، ذات پاک کے مسئلے سب بھول جاتے ہیں، تو یہ ایک ہے امید ہے کہ ہم اپنی یوتھ، ہم جو آئی جو یوتھ ہے اس میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ سارے پاکستان کے مسائل کو حل کر سکتی ہے، تو ہمیں پازیٹیو رہنا ہوگا، اور ماں ظاہر بات ہے گھر سے تربیت ہوتی ہے، لیکن جب اتنی فرسٹریشن ہوگی تو ظاہر سی بات ہے گھر کا ماحول جو ہوگا وہ بچے کی تربیت میں آتا ہے۔ اچھا چلے، اب بھی بات، کیونکہ یہ آزادی کا دن ہے اور ہم آزادی کے بارے میں اور 14 اگست کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو رحیل میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ذمہ داریاں ہوں گی ہماری یوتھ کی، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا ماضی میں، اب ہمیں آگے سوچنا ہے، 69 ایئرس تو ہو گئے، اب اور ہم کتنا آگے جائیں گے، تو آج سے ہی، آج کے دن کے حوالے سے ہی ہمیں ذمہ داریوں کا کچھ تعین کرنا ہو، تو آپ بتائیے کہ یوتھ کی کیا ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں جس کو وہ نبھاتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر، ان سارے مسئلے مسائل اور جو بھی پریشانیاں فرسٹریشن کے باوجود، اقبال نے کئی سال پہلے یہ بات کہی تھی آزادی سے پہلے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی ذرا تیز ہے ساتھی، تو انہی حالات میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ نوجوان، وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے اٹھے اور پاکستان کے بزنس کا ایکو سسٹم انہوں نے چینج کیا، ایک اسٹارٹ اپ کمیونٹی بلڈ ہوئی پاکستان کے اندر، اور جو اس سے پہلے سوچ نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں وداؤٹ کیپٹل یا بغیر کسی سیڈ انویسٹمنٹ کے پاکستان میں بزنس شروع ہو سکتا ہے، وہ اب ہو رہا ہے، تو وہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے اس چیز کو انیشیٹ کیا۔ ہم تعلیم و تربیت کی اگر بات کریں تو وہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے سڑک کنارے اسکول بنائے، جنہوں نے چیریٹیبل اسکولس بنانا شروع کیے، خود وہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اے لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، او لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا خود کالج میں یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ہی ساتھ فٹ پاتھ پہ اسکول بنائے، لوگوں سے جگہ مانگی، وہاں اسکول بنایا اور وہاں ان بچوں کو تعلیم دینا شروع کی جو تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ نوجوان ہی ہیں جو، اگر ہم جشن آزادی کی آج بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے جشن آزادی کی اسپرٹ اس وقت تک نہیں مل پاتی جب تک کہ جو ہم نے ماں کی تربیت کی بات کی، یا اب تربیت کا یہ نظام ہے کہ وہ ماں کی گود سے تو شروع ہوتی ہے لیکن اب بچے کے پاس ماں سے پہلے وہ موبائل فون اور ٹیبلٹ آ جاتا ہے تربیت کے لیے، جو اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اقبال کا شاہین جو ہے، وہ آج کل جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کا شاہین اب صرف سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ پریکٹیکل لائف میں۔ سر آپ یہ دیکھیں کہ اسی نوجوان نے سوشل میڈیا کو بھی اتنا پازیٹیولی استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ آج کا جو مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا ہے وہ سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کو الیکٹرانک میڈیا نہیں بتانا چاہ رہا ہوتا لیکن وہ کسی نہ کسی نوجوان کے موبائل فون سے بنی ویڈیو کے تھرو آپ تک وہ سچائی پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مثبت چیز ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے کہ سوشل میڈیا کو ایک پازیٹیو طریقے سے لے کے چلے، پازیٹیو یوز۔ اور آپ اس وقت دیکھیے جتنے ہم جو بزنسز کی بات کر رہے ہیں، جو اکانمی بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی، جو نوجوان اس میں بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اسی سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں کہ جو ٹھیک ہے، جو چیزیں پہلے افورڈ نہیں ہو سکتی تھی وہ اب ایک فیس بک پیج کے تھرو، یا جو ویب سائٹ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تو فیس بک پیج کے تھرو اپنا بزنس پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ سوشل میڈیا جس کو ایک قرض کہا جاتا ہے کچھ جگہوں پہ، وہ نوجوان اسی سوشل میڈیا کو پازیٹیولی استعمال کرتے ہوئے نہ صرف پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان کو بلڈ کرنے میں اس کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ سچائی کو سامنے لانے میں۔ اور آپ کی اسی بات کو جہاں پہ نوجوان کی بات کیوں کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ جہاں پہ نوجوان کی بات آئے گی، پاکستان کی بات آئے گی اور آزادی کی بات آئے گی، تو ظاہر ہے کہ ہم علامہ اقبال کو تو بھول نہیں سکتے۔ تو وہ اقبال کا شاہین، اس کے بارے میں علامہ اقبال نے خودی کا اور جذبے کا ایک تصور دیا، تو آج ہم اس، کیونکہ یہ آزادی کا دن ہے تو ہمیں ایک آپٹیمسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ریویو بھی کرنا ہے کہ ہم کس لیول پر ہیں، کیا جو اقبال نے سوچا تھا وہ ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو علامہ اقبال کا ایک تصور تھا نوجوان کا، وہ شاہین اور وہ خودی اور وہ جذبہ، وہ جھپٹنا پلٹنا اور پھر پلٹ کے جھپٹنا، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ جذبہ اور وہ امید اور وہ خودی موجود ہے؟ کئی دفعہ مجھے نظر آتی ہے، میں تو نا امید ہوتی نہیں، میری پرسنالٹی بھی بہت آپٹیمسٹک ہے اور اپنی یوتھ میں تو میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں
लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि मेरी मिल्लत का हर बच्चा वो इकबाल की खुदी को समझे। खुदी एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपको आगे लेकर जाती है। उसमें मैं यही समझती हूँ कि जो न्यूज़ या जो चीज़ें बच्चों तक पहुँचती हैं, या वो पॉजिटिव वे में पहुँचे या वो फिल्टर होके पहुँचे। हर उम्र का अपना एक तकाजा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त से पहले आप कोई भी चीज़ किसी को दें, चाहे वो इल्म ही क्यों ना हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता सामने वाला। तो हम कभी कभी इसमें बदलिहाजी कर जाते हैं, हम यूथ को उस हद तक ले जाते हैं जिस हद तक वो समझने की सलाहियत नहीं रखते। ये मैं ज़रूर जानती हूँ कि ये एक बीच का फेज है, ये जिस वक्त हम कवर कर लेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए उतनी तकलीफदेह नहीं रहेगी, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफदेह। जैसे नेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ नाइट पैकेजेस खुल जाते हैं और हमारी यूथ पूरी रात अपना टाइम अगर ज़ाया कर देती है, सब नहीं करती लेकिन जो ज़ाया करती है। मैं आपकी बात में इसी में ऐड कर दूँ कि एक सर्वे में ये कहा गया कि पाकिस्तान का एक सर्वे था जिसमें 5,000 नौजवानों को देखा गया, उसमें ये बताया गया कि जो प्रोडक्टिविटी लॉस है ड्यू टू नाइट पैकेजेस और इंटरनेट के यूज़ करने से वो 33% है जी। क्यों? तो बिल्कुल आप अपनी बात को जारी रखिएगा, मैंने आपकी की बात तो ज़रा और तो फिर यूथ कम गलत है, हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा गलत है, उसकी नज़रों से ये चीज़ें कैसे चूक जाती हैं, क्यों नहीं उन्हें नज़र आती? अगर आज 14 अगस्त की भी हम बात करते हैं तो सिर्फ दिन मनाने से कुछ नहीं होता। दिन ज़रूर मनाइए, लेकिन हर दिन जो आप मनाते हैं उस दिन के साथ एक मैसेज अपने दिल को दे दीजिए कि आज के दिन का ये मैसेज है कि छोटी सी पॉजिटिव तब्दीली दूसरों में नहीं, मैंने अपने अंदर पैदा करनी है। चाहे मदर्स डे मनाइए, चाहे फादर्स डे मनाइए, चाहे इंडिपेंडेंस डे मनाइए, ये दिन तजदीद वफा के दिन होते हैं। अब किससे आपने तजदीद वफा करनी है ये आपने सोचना है, और पैगाम ज़रूर दीजिए, लेकिन पैगाम देते हुए ये ज़रूर सोचिएगा कि उस पैगाम पे हमने खुद कितना इम्प्लीमेंटेशन हमने की है, जो बेहद ज़रूरी है। लेकिन यूथ हमारी बहुत प्यारी है, मुझे उम्मीद है कि इस आज के दिन भी वो कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा सोचेगी और इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेगी। आप तो बहुत एक अच्छा कुछ लफ्ज़ यूज़ किया, तजदीद वफा। तो हम अपने इस यूथ से पूछते हैं कि क्या आप तजदीद वफा से भी इससे वाकिफ है या नहीं, जो वतन की तजदीद वफा है, और अगर है तो क्या आप समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वफा के तकाजों को निभाने के लिए? बिल्कुल, देखिए ये जो दिन होता है, हम इस दिन तो अपने जज्बे का इज़हार करते हैं, वतन से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। इस दिन हमें अपने आप से प्रॉमिस करना चाहिए कि जिस तरीके से हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, हम हर दिन अगर सेलिब्रेट करें, हम हर दिन इस अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार करें, वफ़ा का इज़हार करें, तो वो मसले मसाइल भी हमारे वतन में आएंगे ही नहीं। तो सिर्फ इस दिन के लिए नहीं, आप सिर्फ इस दिन के लिए से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ झंडे लेके आप बाहर घूमें या फिर वतन से मोहब्बत का इज़हार करें। आप रोज़ाना हर दिन आपका वतन है, आप इसके लिए। आपकी बात कि हमें एक ही दिन नहीं, जैसे मोहतरमा आलिया सारिम साहिबा ने भी कहा कि हमें हर रोज़ उसी तरह से जीना होगा जैसे 14 अगस्त है, और हर रोज़ हमें तजदीद वफा करनी होगी। नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ हम ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे नौजवानों के किरदार की और नौजवानों की ज़िम्मेदारियों की और तजदीद वफा की। तो हमारी, जैसे हमने पहले ये डिस्कस किया कि जी 66% नौजवान हमारे मुल्क जो हमारा मुल्क है उसमें 66% यूथ है, और ये यूथ जहाँ पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वहाँ पे ये यूथ थ्रेट भी हो सकती है। अगर इस यूथ को हम एक मुस्बत सिम्त में या मुस्बत डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ज़ाहिर है कि ये मुल्क तरक्की करता चला जाएगा, और अगर हम इसको नेगेटिव साइड पर लेके जाएंगे तो उसके हो सकता है कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये इसी की ही वजह हो। तो इसी पे ही मैं अभी अपने जो नौजवान हैं उनसे बात करूँगा, जो हमारे यूथ के नुमाइंदे हैं, कि क्या ये जो हमारा जो सिक्योरिटी थ्रेट है, जो कि सुसाइड बॉम्बिंग है, आज के दिन हमें इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, लेकिन हकीकत है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किस हद तक हमारा यूथ का इसके साथ लिंक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि मिसलीड यूथ इज़ गोइंग टूवर्ड दिस टेररिज्म। तो क्या ये फ्रेज सही है? जी बिल्कुल सही है। देखें, जैसे इनकी बात को मैं सेकंड करूँगी कि वक्त से पहले जब अवेयरनेस आ जाती है, या फिर हम चीज़ों को इस तरह नेगेटिव जब हम स्प्रेड करेंगे, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल भी है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया का नेगेटिव थोड़ा प्ले करता है, पॉजिटिव भी है, लेकिन देखें जब
किसी भी न्यूज़ को आप इस हद तक उसको स्प्रेड करेंगे कि यूथ, आप मैंने आपको बताया था कि यूथ एक जज्बा रखती है, ठीक है, तो जब उसको वो पिक करती है उसके अंदर थोड़े से नेगेटिव व्यू आते हैं, वो उस चीज़ को थोड़ा सा वो फिर जाहिर सी बात है सुसाइड बॉम्बिंग और ये सब इसी के ही कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि जाहिर सी बात है यूथ इस चीज़ को अवेयर तो कर रही है लेकिन वही बात है वक्त से पहले जब उनमें ये सब अवेयरनेस आती है तो वो इस चीज़ का किस तरीके से प्रेस्टेशन निकाले, तो वो इस तरह से फिर सुसाइड बॉम्बिंग और जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो जाहिर सी बात है कंट्री में। लेकिन हमें तो पैगाम मिला था कि मोहब्बत अम है और अम का है नाम पाकिस्तान, तो रहील ये जो पैगाम है क्या हम इसे भूल गए? आज 14 अगस्त के दिन आप क्या कहेंगे? भूले तो नहीं है लेकिन आशा किसी हद तक जैसे मैंने कहा मिसलीड हो गए हैं, और इसमें मिसलीडिंग से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो किरदार है वो तालीम के फुकदान का है। तालीम आती है तो शऊर आता है, शऊर आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सही गलत का फ़र्क आप शऊर आने के बाद ही पहचान सकते हैं। तो जाहिर है वो तालीम होगी तो वो शऊर होगा, वो शऊर होगा तो आप पहचान सकते हैं कि जी आप काम जो कर रहे हैं वो क्या सही है गलत है। सेकेंडली तजदीद अहद की आपने बात की, तजदीद अहद बहुत बड़ा और बड़ा भारी वर्ड एक लफ्ज़ है कि जी तजदीद अहद करें तो कैसे करें क्या करें, तो मैं समझता हूँ नौजवान हम लोग जैसे हम डिबेट्स करते थे तो उसमें बड़ी बड़ी बातें हम किया करते थे तकरीबों में, अमूमन रियलाइज़ ये हुआ कि बड़ी बातें करना बड़ा आसान होता है लेकिन वो ज़ाहिर है वो काम करना इतना मुमकिनात में से नहीं होता कि आप वो सारे काम नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है आज का मैसेज 14 अगस्त का ये हो सकता है कि जी आप बहुत बड़ा काम एम ना करें, आप छोटे छोटे काम एम करें। फॉर एग्जाम्पल हम जब इंटरमीडिएट के फॉर्म भर रहे होते हैं उसके पीछे एक अहदनामा होता है कि आपने दो बच्चों को खानदा बनाना है, आपने दो बच्चों को तालीम इस काबिल बनाना है कि वो लिख पढ़ सके। अगर हम उस पर अमल करना शुरू कर दें हकीकतन वो अहदनामा झूठा ना पड़े तो ये बड़ा छोटा सा एक अमल होगा जिसके बाद हम तालीम का जो एक कहते हैं कि जो फुकदान जिसकी वजह से नौजवान मिसलीड हो रहा है और वो जाके अपने उस शऊर की कमी की बिना पर जो सुसाइड बॉम्बर बन जाता है या लश्करगर्दी का एक आलायकार बनता है, तो अगर एक नौजवान दो बच्चों को तालीम देना शुरू करेगा तो शायद वो फर्क किसी हद तक कम हो सकता है। तो ये छोटे छोटे अवामिल हैं जिनको आपने देखा कि एक चीज़ एक रशिया से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और वो पाकिस्तान में आया तो दीवार मेहरबानी बन गया और उसको निषेध करने वाले नौजवान थे, कराची की दीवारों को जब गंदा पाया तो उन पर रंग रोगन करने वाले नौजवान थे, जब कराची में गंदगी हद से बढ़ गई तो उस कचरे को अपने आंसू उठाने वाले नौजवान थे। कुछ अरसे पहले की बात है जब कराची का ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ तो आई ओन कराची की एक मुहिम शुरू हुई, उसमें सड़कों पर खड़े होकर धूप में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले नौजवान थे। तो आप जो जिस तरह मैम ने बात की कि नौजवान को सिर्फ एक चैनल देने की ज़रूरत है, वो जज्बा वो हिम्मत उनके सब कुछ मौजूद है और वो किसी भी बड़ी से बड़ी आप उसको बगावत कह लें या आप उसको पॉजिटिव एक्टिविटी कह लें वो करने को तैयार होते हैं उनमें वो। लेकिन इसमें एक आप जो बात है वो जज्बा हिम्मत तो है लेकिन वो सब वो पेशेंस जिसको हम कहते हैं वो बर्दाश्त हमारे नौजवान में उनके रवैये में वो नज़र नहीं आती। जो मैंने जैसे कहा कि हम तो ये सुनते थे कि मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम है पाकिस्तान, हम तो ये देखते हैं कि थोड़ा सा कोई अगर गड़बड़ हो जाए गाड़ी टच कर जाए तो वो दस्ते ग्रोबा हो जाते हैं और लड़ाई झगड़े यूनिवर्सिटीज़ में और आपके ट्रैफिक के निज़ाम में हॉस्पिटल्स में हर तरफ नौजवान लड़ता और गुत्थम गुत्था नज़र आता है। इसकी क्या वजह है, क्या ऐसा है या ये रॉन्ग परसेप्शन दी जाती है? मेरे भाई आखिर तक जवानों से प्यार ही करती रहूँगी मैं तो जी। जो हालात हमने अपने जवान को यहाँ दिए हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने के बाद वो जवान जो देखता है कि माँ बाप अपना आधा पेट काट के मुझे पालते हैं, मुझे तालीम देते हैं, तरबियत देते हैं, और जब वो डिग्री हाथ में आती है और वो मार्केट में लेके निकलता है उस डिग्री की वो वैल्यू नहीं होती जो होनी चाहिए। तो अगर ये वाली तकलीफ ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम है जो इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके जिंदा भी है, हंसती भी है, मुस्कुराती भी है और तकलीफ के लम्हे में जिस तरह से एक होती है ना दुनिया खौफ खाती है, दुनिया ना पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं पाती। हम पर हाथ डालते हुए भी ये लोग इसलिए घबराते हैं कि इन्हें अंदाजा है कि हम खुशी में भले अलग अलग हों, दुख में जिस अंदाज में हम एक होते हैं ना फिर हम किसी की नहीं सुनते। और ये जो आप कह रहे हैं ना दस्त तो गरीब, आप बिल्कुल मैं मानती हूँ 100% मानती हूँ कि हम रोड पे भी हो रहे हैं हर जगह हो रहे हैं, लेकिन जिस वक्त मुसीबत का वक्त आता है हम अपने मुंह का नवाला भी दूसरे को देते हैं। ये वो फॉर्म है कि अगर दो लोगों का दम निकल रहा होता है तो एक बंदा कहता है उसको पानी पिला दो, वो कहता है इसको पानी पिला दो। हमारे नौजवान अवेयर होना शुरू हो गए और जब अगर इनमें अवेयरनेस आ गई तो ये एक अपॉर्चुनिटी बॉम्ब है जो कि अगर ये एक्सप्लोड हो गया तो पाकिस्तान में हर तरफ अपॉर्चुनिटी खुशहाली और तरक्की हो जाती है। आपको सिर्फ अपनी उस अवेयरनेस को एनालाइज करना है कि उसको कैसे उन्होंने बेटर एक्शन कर दिया जाए, और चाहे वो गाइडेंस ना भी मिल रही हो अब वो ये कैसा जिस तरह पानी किसी मैदान में अगर आप छोड़ दें अपना रास्ता ऊपर बनाता है तो ये बिल्कुल नौजवानों का जज्बा और नौजवानों की हिम्मत है वो बिल्कुल उसी तरह है कि वो बहते हुए पानी की तरह है रास्ता। बिल्कुल आपकी आपने जैसे बात की पाकिस्तान के नौजवान की जज्बे की और इसके सोशल मीडिया में और अब पानी की तरह रास्ता बनाने की, एक और मैं आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर कर दूं कि इनोवेशन के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आता है।
तो जैसे मैंने, आपने भी बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स दी, मैंने भी कुछ इसमें शेयर की, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास मौजूद हैं, इतने सारे हमारे पास ये जो नौजवान मौजूद हैं, तो वजह क्या है? मैं गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी का एक सैलाब है इसको पर्टिकुलर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के चले। गवर्नमेंट अपने आप से आगे निकल कर तो देखे उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, उसको क्यों नहीं पता चलता, या उसको सब कुछ पता होता है वो उसका नोटिस लेना नहीं चाह रही होती। गवर्नमेंट की जिस वक्त हम बात करते हैं तो सारी कहानी वहां से शुरू होके घूम के वहीं आके खत्म हो जाती है, क्योंकि वजह तो ये है कि जो इवन हम टैक्सेस भी देते हैं, आप देखिए कि टैक्सेस को किस मद में उन्होंने बढ़ा दिया, किस हद तक बढ़ा दिया। कौन पाकिस्तानी होगा जो टैक्स नहीं देना चाहेगा? हर पाकिस्तानी टैक्स देना चाहेगा। क्यों नहीं देता? इसलिए क्यों कहता है कि देने के बाद वो लगता कहाँ है। आप हर एक को तो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो क्या गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत नहीं है? लेकिन जब काम होता है ना, जब सूरज निकलता है तो किसी को बताता नहीं है मैं थ्रू हो गया, दुनिया को नजर आता है। जब काम होना किसी भी फील्ड में शुरू होता है वो नजर आता है। तो अगर गवर्नमेंट हर चीज में ट्रांसपेरेंट हो जाए, ऑनेस्ट हो जाए, मैं समझती हूँ इस मुल्क के लोग इतने बुरे नहीं है। हमारी बदनसीबी है कि हमें लीडरशिप कभी वो नहीं मिली। हमारे लोगों को एक लीडर अगर मिल गया तो दुनिया देख लेगी ये मुल्क कैसा है। हमें लीडरशिप अच्छी मिलनी चाहिए फिर। और बच्चे, यूथ हमारी एक्सपेरिमेंट्स कर करके देख रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स ये लोग कर रहे हैं। यही एक्सपेरिमेंट्स, मेरी दुआ भी है, कोशिश भी है कि ये एक्सपेरिमेंट्स इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसमें अच्छा और बुरा दोनों रिजल्ट निकलते हैं। और क्योंकि हम इन्हें अगर गाइड नहीं करेंगे या इन्हें इंकरेज नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी की तरफ जाने के चांसेस हैं। लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें मैं कहती हूँ गवर्नमेंट की तरफ भी ना देखूं। जैसे अपने बच्चों को ओन करना मेरी जिम्मेदारी है, या सारिम शेल्टर होम को ओन करना मेरी जिम्मेदारी है। जाने कितने बच्चे वहां आते हैं, कितने लोग आते हैं जिन्हें मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकती हूँ। इसी तरह और बहुत सारी एनजीओज हैं, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरह मोहल्ले में बहुत सारी ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं। इसी तरह वो लोग जो मजहबी हवालों से काम करते हैं, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और चाहे हम कुछ भी बन जाएं, हमारे दिल में अल्लाह रहता है। अगर वो अपना एक रोल पॉजिटिव वे में प्ले कर दें तो हमारी यूथ उस डायरेक्शन में जा सकती है। बात यह है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है जो पूरी नहीं कर रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं यूथ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लाने के लिए? अगर हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देंगे तो मुझे बहुत बड़ी तब्दीली नजर आती है अपनी यूथ में। पोटेंशियल है, अकल है, शऊर है, समझ है, कमी किसी चीज की नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अच्छा लीडर दे दे और हमारे बच्चों के लिए हमारे ही दिलों में जगह पैदा करे। तो आप ये कह रही हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी उस वक्त तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जा सकेंगे। अच्छा, एक बात ऐड करता हूं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मेरा ख्याल है ये भी पूरी नहीं कर रही कि अगर हम आज जैसे गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, इट इज वेरी राइट कि वो गलत है, लेकिन उस गवर्नमेंट को लाने वाला कौन? वो लीडर आपको बिल्कुल अल्लाह ताला हमें ऐसा लीडर नसीब करे, लेकिन अल्लाह ताला वो लीडर नाजिल नहीं करेगा जब तक वो लीडर हम खुद उसको चुनेंगे नहीं। तो वो सबसे ज्यादा अकाउंटेबिलिटी तो मेरा ख्याल है हमें अपनी पहले करनी चाहिए जिसको हम वोट दे रहे हैं। क्योंकि पिछले इलेक्शन में यहाँ तक देखा गया कि ठीक है धांधली का एक इल्जाम था, लेकिन क्योंकि किसी हद तक फौज ने उसकी निगरानी की तो हम समझते हैं कि वो किसी हद तक ट्रांसपेरेंट हुए। तो उसके बावजूद अगर आपने लीडर्स वो चुने जिनको आज आप ब्लेम कर रहे हैं, इट मींस कि गलती कहीं हमारे अंदर, क्योंकि जैसी आवाम होती है उस पर वैसे लीडर मुसलत। अच्छा चले, रहील इसी बात से मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ और फिर मैं शाइस्ता की तरफ आता हूँ कि आज़ादी हमने बहुत सुना और हम कह रहे हैं कि आज 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी क्या मतलब है, क्या है आज़ादी? इनफैक्ट क्या हम इसको मिसपरसीव तो नहीं कर गए? क्या हम इसकी तरफ जिस तरह हम खुद मिसलीड हो गए आज़ादी के वर्ड को भी हमने कहीं मिसलीड तो नहीं कर दिया? सर आज़ादी एक तो होती है मादर पदर आज़ादी, जो जानवर है वो मादर पदर आज़ाद है, कुछ भी करने को जो है आज़ाद है, उसको भूख लगती है वो अपने सारी जानवरों को चीर फाड़ कर खा भी सकता है। इंसानी आज़ादी में और मादर पदर आज़ादी में फर्क यही होता है, हमने उस आज़ादी को बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लिया। हम अगर देखें कुछ ऐसे कंट्रीज को जहाँ पर जैसे कश्मीर हमारे सामने एग्जाम्पल मौजूद है, फलस्तीन की मिसाल हमारे सामने मौजूद है, उनको देख के अगर हम इबरत लें कि हमारे पास जो आज़ादी मैसर है हमें वो कितनी बड़ी नेमत है अगर हम उनसे अपना मवाजना करें, तो हमने उस आज़ादी को किसी हद तक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। और हम क्योंकि पैदा आज़ाद मुल्क में हुए हैं इसलिए हमें ये एहसास नहीं है कि हमसे पिछली जो 3 नस्लें गुजरी हैं उन्होंने उस आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियाँ दी। तो तारीख थोड़ी सी शायद अगर पढ़ाई जाए नौजवानों को, जो किसी हद तक अब सब्जेक्ट बड़ा कम कर दिया गया उसका मुताल पाकिस्तान में, वो अगर उनको बताया जाए, उनको पढ़ाया जाए कि जो एक वर्ड हमें सिखाया जाता है 22 लाख जानों का नजर आना, तो 22 लाख जाने वो कौन सी थी, वो कौन लोग थे जो कुर्बान हुए और कैसे कुर्बान हुए, वो कौन लोग थे जिनके नेजों पर सर थे, जिनकी माओ बहनों की इज्जतें लूटी गई, उन्होंने कुओं में कूद कर अपनी जानें कुर्बान की, तो वो कौन लोग थे, वो हमारी आबाओजदाद के साथ। अच्छा, इसमें तो फिर आगे थोड़ा सी कंट्रोवर्सी जो है वो लोग इसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, कहते हैं जी कि आप क्यों बताते हैं हमने इतनी कुर्बानियाँ दी, अब जो है हालात बेहतर होने चाहिए, मुल्कों के दरमियान मोहब्बत बढ़नी चाहिए,
तो ये इसको छोड़ें, निसाब से निकाल दें जी ये जो 22 लाख जाने। तो चले मैं शाइस्ता आपसे पूछता हूँ कि ये क्या ठीक है कि निकाल दें, बस ख़त्म करें मोहब्बत वाली जो और ट्रेन है उसको चलाएं आगे। अगर हम इसको निकाल देंगे तो फिर हमें आज़ादी की कदर का एहसास कैसे होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी मेहनत से और कितनी जान कुर्बान करके हमारे जो आबाज दादा बुजुर्ग थे उन्होंने ये वतन हासिल किया। अगर हम इसको निकाल देंगे तो हमें तो यही लगेगा कि हाँ ठीक है हमें तो आज़ादी मिल चुकी है, हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करें। लेकिन ये हम जब तारीख पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि जाहिर सी बात है अब उस आज़ादी को बरकरार रखना इस नौजवान की जिम्मेदारी है। आपको आज़ादी मिल गई लेकिन हम नौजवान ही हैं जो इस आज़ादी को बरकरार रख सकते हैं अपने अमल से, अपने जज्बे से, हर चीज़ को पॉजिटिव लेके ओन करके। हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें खुद ओन करना होगा, दूसरों पे अब इल्ज़ाम लगा के या उसको ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं, हम हर चीज़ को खुद ओन करना होगा माशाल्लाह से। बिल्कुल वजह क्या है ये कि 60% लोग आपके उनको यही नहीं पता कि आज़ादी हमने हासिल कैसे की, वो लोग मरे जिंदा हुए दे डोंट नो उसका जो क्या पास्ट था, तो क्या हम पहले फेल नहीं हो चुके? अगर उन्हें उसका नहीं भी पता तो अब भी हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। ये जो सब्ज हलाली परचम है ना, इसके सिर्फ होने से पूरी दुनिया में घूमते हैं, जब तक है तब इसके दम पर इतराते हैं, इतलाते हैं, हम दुनिया में घूमते फिरते हैं और खुदा ना खास्ता किसी हिस्से में कुछ होगा तो पलट के यही जाए पना है, यही जमीन का टुकड़ा जिसको हम काट रहे हैं यही है तो हम हैं। मुश्किल हालात, मुश्किल मसाइल तो हमारे पास पूरी दुनिया में चलते रहते हैं, तो जो रिसेंट वाकयात है वही दिखा के कम से कम बच्चों को बताइए कि बेटा ये है पाकिस्तान की अहमियत, ये है इस खत्ते की अहमियत, ये है इस सरजमीन की अहमियत। भले माजी का कुछ पता ना हो, हाल की भी चीजें अगर आप दिखाएंगे ना तो वतन की कदर कीमत सिर्फ माजी में नहीं थी, आज भी इसके दम पे जाते हैं। भले ग्रीन पासपोर्ट को वे कॉर्नर पे कर देते हैं, उसमें ग्रीन पासपोर्ट का कसूर नहीं, कसूर तो हमारा है कि हमने उसको इज्जत दी या नहीं दी, उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन उसके बावजूद जब आप कहीं जाते हैं तो वो ग्रीन पासपोर्ट होता है तो मोहरे लगते हैं और आप जाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके हाथ में पासपोर्ट नहीं हो तो आप सिर्फ इस दुनिया में नहीं, आप दुनिया के और किसी हिस्से में भी नहीं जा सकते, आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस एक ग्रीन पासपोर्ट के बगैर, इस जमीन के खत्ते के बगैर। ओन करें अपनी चीजों को, अगर बका चाहिए पाकिस्तान है तो हम हैं डेफिनेटली। तो जी क्या पैगाम देना चाहेंगी शाइस्ता यूथ को, छोटा सा एक पैगाम दीजिए कि क्या पाकिस्तान है तो हम हैं। जी मेरा मैसेज यही है कि जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी, जो उन्होंने उस वक्त अहद किया कि हम मर जाएंगे, लुट जाएंगे, कट जाएंगे, पर तुझ पे कोई नाचना नहीं लगेंगे, हमें उसी थीम को लेकर आगे चलना होगा। हमें आज भी यही जो है अपने पूरे वतन से ये अहद करना होगा कि हम हर मुसीबत में इसका साथ देंगे, इसकी हर एक चीज़ को ओन करेंगे, जिम्मेदारी को निभाएंगे, दूसरों पर ब्लेम करना छोड़ देंगे, हर जिम्मेदारी को जब खुद निभाएंगे तो इंशाल्लाह ताला सारे मसले मसाइल खुद हल हो जाएंगे। और हर रोज़ हमारे लिए आज़ादी का दिन होगा, सिर्फ 14 अगस्त ही आज़ादी का दिन नहीं होगा, हमारे लिए हर रोज़ आज़ादी का दिन होगा। जी राहील, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम सर छोटा सा यही कि जो बेस्ट हम कर सकते हैं इस मुल्क के साथ वो ये कि नौजवानों के लिए खासतौर पर कि जो कुछ आपने अब तक सीखा या जो कुछ आपने अर्न किया इस मुल्क से, जो आपकी स्किल्स हैं, जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है, आप उसको ट्रांसफ़र करें अपनी आने वाली दूसरी जनरेशन में, जो आपसे छोटी उम्र के लोग हैं जो स्कूल कॉलेज में हैं, उनको आप वो स्किल्स सिखाएं जो आपने सीखी है। अगर आप ये करते हैं तो फिर एटलीस्ट ये होगा कि चलें आपने जो कुछ सीखा आपने ट्रांसफ़र किया, तो जो एक चीज़ हमें नहीं मिली थी हम वो एटलीस्ट काम कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। आखिर में सिर्फ एक पैगाम छोटा सा नौजवानों के लिए कि ये संघीय घेरा जो हाइल है रस्ते से हटा कर दम देंगे, हम राह वफा के राही हैं, मंजिल पर जाकर दम देंगे, ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी, या बस में जहां महकाएंगे या खूं में नहा कर दम देंगे, ये सब्ज़ हिलाली परचम है हर हाल में ये लहराएगा, और ये नगमा है आज़ादी का दुनिया को सुना कर दम। जी आलिया सारिम साहब, आपका क्या पैगाम हमारी यूथ और हुक्मरानों के नाम? यूथ से बात करते हुए तो मज़ा आता है, हुक्मरानों से बात करते हुए कभी जबान लड़खड़ाती है, कभी समझ नहीं आता बात करें बात ना करें। हुक्मरानों को सब पता है, उन्हें मुझसे ज़्यादा पता है कि इस मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हें क्या करना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि अकरबा फरवरी छोड़ दीजिए, मेरिट की बुनियादों पर काम कर लीजिए। करप्शन ही अगर खाली इस मुल्क से ख़त्म हो गई और हमारी यूथ को अगर नौकरियाँ मिल गई तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बाकी रह गया यूथ का मामला, यूथ को तो मैं ये कहूँगी कि आप हमारे दिलों में रहते हैं और आपके आसपास जितनी भी बुरी चीज़ें हैं आप, बल्कि मैं अगर इसको यूँ कह दूँ कि आज अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल पा रही ना, मैं अपनी यूथ को कहती हूँ, आज अगर मैं तुम्हारे सामने नहीं बोल पा रही क्योंकि मेरी उम्र के लोगों ने तुम्हें वो चीज़ें डिलीवर नहीं की, तो खुदारा जब तुम मेरी जगह पर बैठना
तो मुझे अब मुझसे बेहतर अपने आप को रखना, कहीं तुम पर ये वक्त ना आए कि तुम भी बैठ के सोचो कि यूथ को मैं क्या बताऊं, मैंने यूथ को क्या दिया। तो मुझसे आगे का सफर तय करना, और मैं चाहती हूं कि मेरी यूथ हर वो काम पाकिस्तान में अच्छा करके दिखाए जो मेरी जनरेशन नहीं कर पाई, या मेरी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, या मुझसे पहले के लोग नहीं कर पाए। तो यूथ से बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है मेरी, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आलिया सारिम साहिबा, शाइस्ता सलीम साहिबा और रहील अख्तर साहिब। माशाल्लाह आप लोग नौजवान हैं, तो इसलिए साहिब कहते हुए भी थोड़ा सा जो है वो डर भी लगता है कि नौजवान माइंड भी कर जाते हैं। तो बहरहाल आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और आपने नहायती मुस्बत गुफ्तगू की और हमें एक बहुत ही रोशन और मुस्बत जो रास्ता है और ट्रेजेक्ट्री है पाकिस्तान की वो दिखाई। तो अगर मैं आपकी जो गुफ्तगू है उसको चंद अल्फाज में समेटूँ, तो वो अल्फाज यही है कि हमें सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। हमें बजाय इसके कि हम दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करें, हमें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा। जब हमने अपने आप को सही कर लिया तो ये पाकिस्तान खुद ब खुद सही हो जाएगा। फिर लीडर भी अच्छे आएंगे, फिर इदारों के हेड भी अच्छे आएंगे, तालिब इल्म भी अच्छे होंगे और उस्ताद भी अच्छे होंगे। तो इन सब का सारे का सारा जो फोकस है वो यही है कि हमें अपने आप को ठीक करना होगा। बहरहाल तजदीद वफा का यही मैसेज कि भाई अपने आप को सही कर लो। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।